क्यों समझा। पिछले वर्ष सिंगापुर में किडनी ट्रांसपेरेंट कराने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के मुखिया लालू यादव अब पूरी तरह से फिट हैं और सामान्य रूप से अवागमन भी कर रहे हैं। इस कड़ी में लालू यादव ने अपने राजनीतिक साथी शिवानंद तिवारी के साथ पटना के मरीन ड्राइव की सैर की है। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया है। उन्होंने इस दौरान कुल्फी का भी स्वाद लिया। यहाँ पर बता दें कि दिसंबर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किडनी ट्रांसपेरेंट कराया था, जो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने दी थी। किडनी ट्रांसपेरेंट के बाद 8 महीने के बाद वह बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अब वह बिना किसी सहयोग के चल फिर रहे हैं और लोगों से सामान्य मुलाकात भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लालू यादव अब राजकीय समारोह में भी शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ पटना के गलियों पर भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव अपने पुराने सहयोगी और मित्र शिवानंद तिवारी के साथ रथ पर सवार होकर पटना के मरीन ड्राइव पहुंचे थे। इस दौरान लालू यादव ने कुल्फी का भी स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के विभागों की समीक्षा भी की। इस दौरान लालू यादव को देखने के लिए उनके समर्थकों की काफी लंबी भीड़ लगी। वहीं लालू ने रथनुमा कार में बैठकर अपने समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इसके बाद लालू ने मरीन ड्राइव पर लगभग 20 से 25 मिनट तक सफर करते रहे। लालू यादव ने मरीन ड्राइव के हर एक चीजों को काफी करीब से देखा। रत्नुमा कार में एसी भी लगा था। फिलहाल के लिए इतना ही, बन रहे हमारे साथ आईवीटीवी पे, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।